हेलो मित्रों, आप लोगों के लिए मैं पूरी डिटेल के साथ 2015 पुलिस भर्ती की पूरी डिटेल के साथ लाया। मेडिकल में क्या होगा, तो इन सब चीज़ों को मैं पूरी डिटेल के साथ आप लोगों को बताऊंगा। उससे पहले मैं फ्रेंड्स आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर क्लिक करें, क्योंकि हम यहाँ आपको ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन क्लास कोचिंग देते हैं, इसमें मैथ रीजनिंग की फ्री कोचिंग देते हैं। तो इससे पहले आपको जो भी हम सारी डिटेल के साथ लाए हैं कि इनकी तुम्हारे महानिदेशक साहब ने क्या बोला है, तो उससे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए अब बताते हैं इसकी सारी डिटेल। इसमें मित्र तुम्हारे उत्तर प्रदेश पुलिस मुख्यालय इलाहाबाद से, यानी कि सरोजिनी नायडू मार्ग इलाहाबाद, ये तुम्हारी यहाँ पूरा उसका एड्रेस दिया है। और संख्या नंबर 51 पुलिस आरक्षी, जो तुम्हारी उस समय के, यानी कि वो 51 बैच था पुलिस का, और ये न्यूज थी 16 मई 2018 की, ठीक है। इसमें दिया है समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रभावी जनपद उत्तर प्रदेश, समस्त पुलिस अधीक्षक प्रभावी जनपद उत्तर प्रदेश। अब देखिए बात, ये तो सब अब आते हैं मुद्दे की बात। इसमें क्या लिखा है, मुद्दे की बात पढ़ो। इसमें दिया है मित्रों, पुलिस आरक्षी एवं आरक्षी पीएसी के पदों की भर्ती 2015 अंतिम रूप से चयनित अभ्यर्थियों को परीक्षण हेतु चिकित्सा परिषद का गठन किया गया। यानी कि सीधी बात हम बोलें कि 2015 में जो भर्ती रुकी थी उसे मंजूरी देती है, अब उसके मेडिकल की जल्दी ही डेट आने वाली है। तो जो मित्रों का अगर उसमें हुआ था तो वो लोग अपनी तैयारी पूरी कर ले। और आगे दिया है इसमें मित्रों, इसमें क्या क्या, कृपया पुलिस मुख्यालय समाप्त परिपत्र 15/5/2018 का अवलोकन कष्ट करें, जिसके द्वारा पुलिस आरक्षी एवं पीएसी के पदों की सीधी भर्ती चयनित अभ्यर्थियों को चिकित्सा हेतु उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी सेवा नियमावली 2015 के अनुसार व्यवस्थित जनपद, जहाँ जहाँ यानी कि जो पहले सुविधा थी, यानी कि जनपद स्तर पर तुम्हारा मेडिकल होगा, वहीं आज इस भर्ती का होगा। आगे मित्रों बोला है उन्होंने, अवगत कराने के उत्तर प्रदेश पुलिस सीधी, यानी कि आप लोगों को चयनित परिणाम वेबसाइट पर आप देख सकते हैं इसके, ठीक है, इसे वेबसाइट पर भी उल्लेख किया है। और 10वीं 12वीं पास अंक तालिकाओं का सत्यापन, यानी कि जो 10वीं 12वीं के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ आपका सत्यापन होगा, चिकित्सक होगा, ठीक है, ये सब चीज़ें होगी तुम्हारी, ये तुम्हारे उनके हस्ताक्षर हैं। ये वहाँ हमने ऑफिशियल वेबसाइट से लिया है मित्रों, ऐसा नहीं कि इनकी मैंने अलग से लिया। चिकित्सा परिचय, ऐसे अभ्यर्थी जिनके चयन सूची में नियुक्त हैं उनका चिकित्सा की अपेक्षा की जाएगी। सेकंड है नियुक्त प्राधिकरण महानिदेशक स्वास्थ्य एवं परामर्शक चिकित्सा परिषद के 3 चिकित्सक पैनल की नियुक्ति परिषद गठित, यानी कि एक पैनल बनाया जाएगा, उसमें 3 लोग रहेंगे, 3 जो भी है, यानी कि उनका सिस्टम रहेगा वो आपके लिए। आगे दिया है मित्रों, कोई अभ्यर्थी जो चिकित्सा परीक्षा से संतुष्ट नहीं है, स्वयं परीक्षा ना परीक्षा के दिन मंडलीय चिकित्सा परिषद के समक्ष अपील दाखिल कर सकता है। अगर किसी को, यानी कि मान ले कि उसने किसी में अनक्वालीफाई कर दिया और उसे लगता है कि मैं नहीं हूँ, तो वो वहाँ जाके यानी कि दिखा सकता है, ठीक है मित्रों। तो ये तुम्हारी थी सारी डिटेल, यानी कि आप सीधी बात ये है कि, यानी कि अब आप लोग डेट की तैयारी कीजिए, आप अपनी वेबसाइट, और ये तुम्हारे सत्यापन है उनके, वहाँ के अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक, ठीक है। तो बस अब आप लोग यानी कि अपने उस पर देखते रहिए, जल्दी आपकी डेट मिल जाएगी मित्रों। तो मैं यही आशा करूँगा जो 2015 में हमारे मित्र लोग सिलेक्ट हो गए हैं, उनका भगवान करे जल्दी हो जाए, ठीक है। इसमें यानी कि सब कुछ दिया है, तुम्हारी ज्ञात कृपयार्थ सूचना आवश्यक उत्तर प्रदेश पुलिस पदोन्नति तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स सी विधानसभा मार्ग लखनऊ, ठीक है, ये तुम्हारा एड्रेस। और आगे दिया है अपर तकनीकी सेवा उत्तर प्रदेश लखनऊ। सीधी बात यह है कि यानी कि अब आपके जल्दी अपलोड हो जाएंगे, तो आप लोग बस साइट पर देखते रहिए, जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो मैं आप तक ज़रूर भेजूँगा। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी मित्रों, तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब बटन पर ज़रूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।